Hello students, good morning you to all. Ame biology ra bartaman syllabus ame start karibaku jauche. Tenu concentrate from very beginning in your studies. So ame jo charoti optional nekiri padhiba सेथिरु बायोलॉजी होची गोटे ऑप्शनल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इज ए रियल कॉम्बिनेशन रॉयल कॉम्बिनेशन. सो बायोलॉजी रो जो 100 मार्क्स सेथिरु बॉटनी 50 आउ जूलॉजी 50. बॉटनी 50 सेथिरे थ्योरी 35 आउ प्रैक्टिकल 15. जूलॉजी सेमिति 35 थ्योरी आउ 15 होची प्रैक्टिकल बोथ इन 11th एंड 12th. सो आमे जूलॉजी सिलेबस जो आरंभ करबाकु जाउचे तारो प्रथम यूनिट आमे माने पिला माने पढ़ीबा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. आमको तीनोटी यूनिट जूलॉजी रे 11th क्लास रे पढ़ीबार अच्छे. गोटे होची यूनिट 1 से डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एवं तारो जोड़िए सेक्शन हेची. ये गोटे सेक्शन आ गोटे सेक्शन अच्छे एनिमल डाइवर्सिटी. यूनिट 2 रे हमें पढ़ीबा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स टिश्यू बाबद रे पढ़ीबा सेथिरे. एवं यूनिट 3 रे आमे ह्यूमन फिजियोलॉजी रो 7टी चैप्टर आमे पढ़ीबा. शॉर्टली आमे जदी कहिबा तको न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन एस्क्रीशन ये चारोटी लाइफ प्रोसेस मूवमेंट लोकोमोशन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 1 जोटा को आमे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोली कहूचे एवं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 2 जोटा को आमे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहूचे. एमिति 7टी चैप्टर. सो ये टोटल सब जाक 11th क्लास रो जूलॉजी सिलेबस रे तुमरो इंक्लूड है छि. सो सेथिरे पिला माने प्रथमे आमे आसीबा जोटा यूनिट 1 एवं यूनिट 1 रो पोर्शन ए जोटा को आमे देइचे 1A diversity in living world sethire what we have to learn ame se unit re kon kon jiniso amaku padhiba ku pila mane ach dekho age syllabus ku tike ame bisleshan kariba tapare gote ku ame jiba sethire amaku padhiba ku achi what is living pila mane. Let's clear about the topic diversity in a living world. Topic kram mane kono? Ko babodare ithire ame padhiba. Diversity in a living world. There is a great variety of living organisms. Around 2 million type of living species. Living organisms are there. Around 1.23 million ro amaro animal species achi ebong 0.75 or 8 million ro amaro plant species achi. Ame misai ki jodi kahiba around 2 million or 20 lakhs varieties of living organisms achanti. दाकु आमे लिविंग वर्ल्ड बोली कहूचे. एंड दैट 20 lakhs और 2 मिलियन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल दे वेरी फ्रॉम ईच अदर. दे वेरी फ्रॉम ईच अदर इन एवरी रेस्पेक्ट. दे वेरी फ्रॉम ईच अदर इन मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू developmental point of view. There is a great diversity. So
से जिनिस को पढ़िबा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड सो जीव जगत जो अच्छे से जीव जगत रे कौन सब केते वैरायटी रो जीव जगत ना 20 लाख्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन लिविंग वर्ल्ड ताकु आमे पढ़िबा सो तेसिथिरे आमे आगे कौन पढ़िबा व्हाट इज लिविंग बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज लिविंग बीइंग अलाइव व्हाट डज इट मीन नीड फॉर क्लासिफिकेशन पढ़िबा नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकॉज अनलेस वी क्लासिफाई दैट ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट स्टडी देम ऑल एट देयर इंडिविजुअल लेवल सेमानंकु तांकर व्यक्तिगत स्तर रे पढ़िबाटा केवल जे डिफिकल्ट नुह ता नुहे इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू स्टडी देम ऑल एट देयर इंडिविजुअल लेवल सो वी मस्ट क्लासिफाई देम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी सो दैट इज व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन देन थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ या को प्रत्येकटा को आमे पुनी जीवा विश्लेषण करिबा थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ व्हाट इज थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ पिला माने आमे जो कहिले जे ताको आमे क्लासिफाई करिबा से क्लासिफिकेशन रो सबुठो लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्लासिफिकेशन होची थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ तार अर्थ होला आमे एमिति क्लासिफिकेशन रो जदि हिस्ट्री को देखिबा आमे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ताकु आमे टू किंगडम करिचे थ्री किंगडम करिचे फोर किंगडम करिचे फाइव किंगडम करिचे सिक्स किंगडम करिचे एवं फाइनली ताकु वर्तमान तीनटा डोमेन्स रे विभक्त करिचे पढ़िबा से थ्री डोमेन्स कौन आर्किया बैक्टीरिया यूकारिया थ्री डोमेन्स ऑफ आमे से जो इतिहास को जो देखिबा ताकु आस्ते आस्ते जो क्लासिफिकेशन रो जो इवोल्यूशन हेछि एवं से पर्याय आमे आसी पहुंचिचे लिविंग वर्ल्ड को आमे तीनोटी डोमेन्स रे विभक्त करिचे पढ़िबा से थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ कौन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी कौन आउ सिस्टमेटिक्स कौन पढ़िबा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक दो सीम्स टू बी सिनोनिमस बट नॉट ट्रूली सिनोनिमस टू इच अदर टू डिफरेंट ब्रांच टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर तो पढ़िबा टैक्सोनॉमी कौन एवं सिस्टमेटिक्स तंकर व्यक्तिगत स्तर को जते बेले जाय कि आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर कहिबा ताको सिस्टमेटिक्स कहिबा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ताकु भी पढ़िबा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ता माने ठीक पिला माने जेमिति आमे टोटल भूखंड को आमे सातटी महादेश रे विभक्त करिचे महादेश रे पुनी रहिले देश देश रे रहिला राज्य राज्य रे रहिला जिला जिला रे रहिला पंचायत समिति सेथिरे रहिला ग्राम पंचायत रे रहिला वार्ड एई रकम रे जेमिति आमे तार श्रेणी विभाग करिचे फॉर कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन लोकंक पाखरे भलरे पहुंचिबा पई ए जो प्रयास ठीक सेमिति आमे लिविंग वर्ल्ड ताकु गोटे सेई भली थाक थाक रे विभक्त करिचे ताकु कहउचे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रैंक्स ताकु पढ़िबा
एवं सेतिरे सबुटु स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होची कौन स्पेसिस सो व्हाट इज दैट स्पेसिस हु कैन बी ए स्पेसिस व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस सेटा को पिला माने पढ़िबा आउ कौन पढ़िबा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन पिला माने इथिरे हमें पढ़िबा ठीक जेमिति आमर छुआटे जन्म नेले आमे तार गोटे नामकरण करूचे एवं एमिति भी नामकरण अछि विभिन्न जगार विभिन्न धरणर नामकरण होची एमिति भी किछि लोकंकर नामकरण होची प्रथम ना होची ता ना द्वितीय ना होची तांको बापांको ना तृतीय पोर्शन रो नाटा होची तांको गाना सपोज मनोज बलराम जगदले मनोज तार निजो ना बलराम होच तांको बापांको ना जगदलपुर होच तांको गाना आमे सेथरु ताकु जानी देले ठीक सेमिति पिला माने आमे गोटे ऑर्गेनिज्म को तार साइंटिफिक नेम रे नेमिंग करिबा प्रक्रिया को कहिबा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म with scientific name and that name consists of two names so called binomial nomenclature taku padhiba se binomial nomenclature kono trinomial nomenclature kono what are the rules of binomial nomenclature e sabu bisaye padhiba tools for study of taxonomy ame se taxonomy padhiba pai kon sabu tools जंत्रपाति आम पाखे अच्छी ताकू पढ़ा एवं से बाबदे म्यूजियम कौन जू कौन हरबारिया कौन बोटानिकल गार्डन कौन ए बाबदे टिके टिके सम्यक धारणा पिला माने रखिबा सो दिस इज योर इंट्रोडक्टरी चैप्टर नेम्ड एज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आर गोटे सेकेंड पार्ट्रे आम पढ़ा एनिमल डाइवर्सिटी तेणु पाने कौन आम पढ़ा ना व्हाट इज लिविंग बायोडाइवर्सिटी नीड फॉर क्लासिफिकेशन थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ टैक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस एंड टैक्सोनोमिकल हिराची बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनोमी देन म्यूजियम जू हरबारिया एंड बोटानिकल गार्डन सो पिला माने ये हूँ आमर सिलाबस ए सिलाबस को धरिक आम को पढ़ा पड़ो जेकोसी बहि आम पढ़ी पारिबा सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन सो फर्स्ट आम जीवा पिला माने व्हाट इज लिविंग आम प्रथम आसवा व्हाट इज लिविंग What is living? Being alive. What does it mean? Being alive. What does it mean? Mu jinchi aro mane kono? Simple jinis. Mu jinchi. What does it mean? Kono pila mane tar ortho? What is living? Being alive, what does it mean? कौन है इतना हमें पूछी बा? हमें माने Have you ever seen life? Have you ever touched it? Tasted it? No. We only experiences the presence of life. हमें केवल ताकु अनुभव करी चे How? With exhibiting, with experiencing, so and so living characteristics, that is life. It is a complex organization of molecules, and that leads to
your growth, your development, all these reproduction. So ame aku dekhine chakhine kichhi nai, only aku ame feel kariche, aku ame experience kariche with exhibiting certain living characteristic, we are saying we are in living position, we are living beings. So what are then the living characteristics? One living organism that exhibit. So first of all, pila mane life processes. What is life processes? There are certain processes which are very much essential for the maintenance and sustenance of life. Pila mane jodi tumaku pachara jaye mu jibi, what is the prime requirement for me so that I can maintain my life, I can sustain my life? What is the prime requirement? Tell me in one single word. Then what will be that word? Got a dead body, got a living body in deep sleep condition. What is the difference between the two? The difference between two is one living, another is dead. So ethi ame kahiba the living body in deep sleep condition is considered as living. What does it mean? That means certain activities are going on with that living body deep sleep condition. At least during the time of sleep also we do require 4.2 kilojoules of energy. So the prime requirement is, first of all, we do require at least certain amount of energy for the maintenance and sustenance of life. No exception of this. At least each and every living organism for their maintenance and sustenance of life do require at least certain amount of energy. Number one. And number two, from where do they get that energy? Ultimately from oxidation of food. Ultimately from oxidation of food. Glucose plus oxygen gives rise to carbon dioxide, water and energy. So this is your life. This is your life. We must do require certain amount of energy, number one. That energy we obtain from oxidation of food, number two. And for oxidation of food, two things are required. One is food, which is to be oxidized. And second, oxygen, whose presence is very much essential. So this food, we obtain it in the process of nutrition. In the process of nutrition, jota ko ame mane tumhe mane padhicha tumara 10th re suposhan, and this is obtained in respiration jota ko padhicha tumhe mane shoshan,
And the reaction, the process of oxidation of a food, since it occur inside each and every part of your body, that is cell, another life process is required for conveying that food and oxygen to each and every part of your body, and that is circulation. That is circulation, the process in which both the raw material, both glucose and oxygen, has to reach each and every part of your body, that is cell, that is circulation. So now, in each and every part of your body, food is there, oxygen also is there, oxidation of food occurs, energy is released, you maintain your life, you sustain your life, but unless the waste product, carbon dioxide, is not removed with another process called excretion. So these are the four life processes. These are the four life processes. So, first characteristic every living organism exhibit, so are called life processes. What are the life processes? The processes which are very much essential for the maintenance and sustenance of life. The processes which are very much essential for maintenance and sustenance of life. And what are that life process? Nutrition, respiration, circulation, and excretion. These are the life processes. Next. Next character pila mane kono? Cellular organization. What type of characteristic is this of a living organism? There is a life means must possess a cell. There is a cell means it must life. It must possess life. Life achi mane cell achi. Cell achi mane life achi. Cellular organization. The various living organisms, they are organized at their different levels. And there is a levels of organization. There is a levels of organization. What are that various levels of organization? Sub atomic particle, subatomic particle, your proton, electron, neutron, subatomic particle misikri kono hele atom, your carbon, hydrogen, nitrogen, emane atom hele. Atom misikri gote definite proportion re, se kono hele molecule, water gote molecule, glucose molecule, ammonia molecule. Molecule misila kono hela subcellular structure,
योर माइटोकोंड्रिया गोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर माइटोकोंड्रिया गल्गी दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर मिसला सेल पिला माने एठे की लाइफ रो एक्जिस्टेंस पळे आसिला एठे की लाइफ रो एक्जिस्टेंस पळे आसिला सेल या पुरपुर जति के नो लाइफ इज देयर तेनु आकु पिला माने कहिले एठे फिजिकल लेवल फिजिकल लेवल सेल पिला माने मिसिला सेल मिसिक्री हला टिश्यू मिसिक्री हला टिश्यू सिस्टम कोठी प्लांट रे और ऑर्गन कोठी एनिमल रे टिश्यू सिस्टम हला प्लांट रे ऑर्गन हला एनिमल रे टिश्यू सिस्टम मिसिकरी कौन हला ऑर्गन 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 मिसला ऑर्गन सिस्टम मिसिकरी हला ऑर्गानिज्म ऑर्गानिज्म सो एठु पिला माने आरंभ हला सेल टू आरंभ हिकरी ए ऑर्गानिज्म पर्यंत ये आसिला लिविंग लेवल ऑर्गानिज्म मिसिला पिला माने कौन हला पॉपुलेशन मिसिला कम्युनिटी मिसिला इकोसिस्टम मिसिला बायोम एवं बायोम मिसिकरी हला बायोस्पियर सो ऑर्गानिज्म टू धरिक्री ए पर्यंता को कुआ गला इकोलॉजिकल लेवल सो पिला माने ऑल दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोस्पियर इट इज ए लार्ज स्पियर लार्ज स्पेस द स्पेस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ दैट इज बायोस्पियर बायोस्पियर को जदि आमे पुणी एनालिसिस करिबा ताकु स्प्लिट करिबा आमे किछि बायोम पाइबा बायोम पिला माने काहा को कहिबा ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया वेयर ए नंबर ऑफ इकोसिस्टम साइमल्टेनियसली फंक्शंस ता माने बायोस्फीयर को जदि आमे स्प्लिट करिबा पिला माने किछि बायोम पाइबा प्रत्येक बायोम को जदि स्प्लिट करिबा किछि इकोसिस्टम पाइबा काहिं कि किछि इकोसिस्टम को नेकरी बायोम हला बायोम एचा गुटे लार्ज फंक्शनल एरिया लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया वेयर ए नंबर ऑफ इकोसिस्टम फंक्शंस तेणु बायोम को भांगिले पुणी इकोसिस्टम पाइले इकोसिस्टम को भांगिले पिला माने कौन पाइबा कम्युनिटी पाइबा गोटे से फॉर एग्जांपल वन पॉन्ड पोखरी तमरो सिमुलेटिंग द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम गोटे मधुर जलर परिसंस्था सो ताकु जदि आमे भांगिबा ताकु जदि आमे स्प्लिट करिबा ताकु जदि आमे विश्लेषण करिबा सेतिरे किछि लिविंग स्पेसिस पाइबा ताको ऑल दैट लिविंग दैट इंक्लूड्स द बायोटिक कम्युनिटी एंड ऑट द वाटर एयर सैंड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ऑल दैट दैट इंक्लूड्स योर नॉन लिविंग द एबायोटिक कम्युनिटी सो इकोसिस्टम को आमे जदि भांगिबा गोटे जोड़ी कम्युनिटी पाइबा गोटे बायोटिक कम्युनिटी दैट इंक्लूड्स ऑल लाइफ आ गोटे एबायोटिक कम्युनिटी दैट इंक्लूड्स ऑल नॉन लाइफ तेणु कम्युनिटी पाइले से कम्युनिटी इंटराक्ट हला एक्जिस्टिंग वन सिस्टम
से कम्युनिटी को भांगिले आमे किछ पॉपुलेशन पाइले मने कर सेइ थरे आमे गोटे पॉन्ड रे बायोटिक कम्युनिटी रे किछि चिंगुड़िया दल पाइले तार गोटे पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर्म्स वन बायोटिक कम्युनिटी सो पॉपुलेशन ताले काकु कहिबा पॉपुलेशन पिला माने हला ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम दैट इज कॉल्ड योर पॉपुलेशन ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन प्लेस सो से पॉपुलेशन थो आमे बायोस्फीयर पर्यंत ताको इकोलॉजिकल लेवल कहले एवं ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम पिला माने आमे जदि एठी गोटे देखो तार गोटे एग्जांपल नबा केमिति आमे कन्फर्म होबा जे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होउछि तार कैरेक्टरिस्टिक पिला माने से फॉर अमोइबा गोटे ऑर्गेनिज्म अमोइबा से भी गोटे ऑर्गेनिज्म तुम्हारा स्पंज भी गोटे ऑर्गेनिज्म हाइड्रा भी गोटे ऑर्गेनिज्म फ्लैट वर्म कुर्मी गोटे ऑर्गेनिज्म मैंगो ट्री गोटे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन गोटे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग सो ऑल दे आर ऑर्गेनिज्म बट ऑल दैट ऑर्गेनिज्म दे आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स योर अमोइबा इज ऑर्गेनाइज्ड विथ ओनली वन सेल सो आपको आम कह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रादर आपको कह प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन से को ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना तार बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड ओनली विथ सर्टेन प्रोटोप्लाज्म एठिकी पलै आसिले ये सेल को पलै आसिला एथरे त माने गोटे सेल रहिला एठिकी किछि सेल आसिला किछि सेल आसिला एठिकी आसिला बेल को सेल आउ टिश्यू हे गलाणी एठी सेल अछि टिश्यू अछि किछि ऑर्गन आसी गला मैंगो ट्री को आसी गला बेल को सेल अछि टिश्यू सिस्टम भी अछि आमो पाखो को पिला माने पलै आसिला बेल को आम पाखे सेल अच्छी आम पाखे टिश्यू अच्छी आम पाखे ऑर्गन अच्छी आम पाखे ऑर्गन सिस्टम अच्छी दैट मीन्स ऑल दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड विथ एट डिफरेंट लेवल्स सम विथ एट सेलुलर लेवल सम विथ एट टिश्यू लेवल सम एट सेलुलर लेवल सम सेलुलर ये मेनी सेल्स टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल टिश्यू सिस्टम लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल सो मिनिमम व्हाट व्हाट मोर इज देयर और नॉट एटलीस्ट सेल्स आर देयर दैट्स व्हाई कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ओके.